जय प्राकृतिक माता की। देखिए, सफ़ेद फूल की कंठकारी बहुत से लोग ढूंढते हैं, जिसका बीच का हिस्सा भी सफ़ेद होना चाहिए। तो ये अनन्यासी सड़कों किनारे जब प्रकृति माता की कृपा होती है तो सब कुछ मिल जाता है। तो ये आप देखेंगे, यहाँ पे ये पसरा हुआ है, मतलब नीचे फैला हुआ है ज़मीन पे, तो इसको रेंगड़ी बोलते हैं। और ये भी सफ़ेद फूल की हो तो अति उत्तम कही गई है। और यहाँ पे पूरी पसरी हुई है, अगर ये एक दूसरे सपोर्ट ना मिले तो ज़मीन में फैलेगी। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसका उपयोग बहुत से लोग जानते हैं, अच्छे खासे कांटे लग जाते हैं। ये देखिए इसके पत्ते पे भी कांटे हैं, तो कंठकारी है। अब सफ़ेद फूल की कंठकारी चाहिए होती लोगों को, तो ये देखिए, हम दिखाते हैं इसमें फूल था अभी कहाँ गया। ये देखिए फूल भी सफ़ेद, पुंकेसर भी सफ़ेद, और ये नीचे देखिए छोटे छोटे फल, फिर बड़े फल, इस तरीके से कंठकारी के फल लगे हुए हैं। और अगर किसी को लगता है तो मैं एक आध फूल और दिखा देता हूँ, कि लोग सोचेंगे कि एक आध फूल तो कहीं बन गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैं आपके सामने तोड़ रहा हूँ, और भी इसको हाथ में लेके दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप, थोड़ा खराब हो गया। एक यहाँ पे भी है, ये देखिए पूरा ये झुंड सफ़ेद कंठकारी के फूल की है। कुछ लोग इसे लक्ष्मणा बोलते हैं, लेकिन ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया कि लक्ष्मणा ये कि कुछ और है। लेकिन सफ़ेद फूल की कंठकारी का एक अपना विशेष महत्व है, जितने हमारे बैदराज लोग हैं सभी लोग जानते हैं और जो इसका उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर फैली हुई है, कोशिश करूँगा इसका कोई पक्का फल मिले ताकि मैं अपने यहाँ लगाऊँ। वैसे मेरे यहाँ ये लगा हुआ है, आपको बताऊँ, लेकिन मैंने उसका कभी उपयोग नहीं करा इसका आज तक। तो मैं इसके बीज ले जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ, ताकि किसी भी हमारे वैद्य मित्र या साथी को जरूरत पड़ेगी तो उसे हम उपलब्ध करा दें, और इसके कुछ पौधे उगा के हम रखेंगे। क्योंकि देखिए, ज़रूरत पड़ने पर चीज़ें मिलती नहीं, अभी हम घर से 30-35 किलोमीटर दूर हैं, कभी ज़रूरत पड़ गई तो अचानक रात बिरात क्या करेगा आदमी। तो ये है मेरा यहाँ पे मकसद, सिर्फ आप लोगों को सफ़ेद कंठकारी की पहचान करवाना था, जो कि मैंने करवा दिया। अगर यही सफ़ेद कंठकारी है या लक्ष्मणा है, तो जिन किसी भी महापुरुष को पता हो तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपके क्षेत्र में क्या इसको किस नाम से जानता है लोकल भाषा में, वो भी बताइएगा। कभी कभी ग्रंथों में ऐसा वर्णन आ जाता है, वो शब्द वो नाम हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि कुछ लोकल नाम होते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा ये रहता है कि ये लोकल नाम है तो इस क्षेत्र का पौधा है, और दूसरा इसको ये कहते हैं तो उससे पहचानने में आसानी होती है। ये देखिए कितना अच्छा फूल है, यहाँ पे आप देखेंगे, मुझे यहाँ पे दिख गया ये। तो देखिए, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, जितनी जानकारी है मैंने आपको बता दिया, और सिर्फ पौधे की यहाँ पहचान कराना है, आपको जड़ी बूटी की पहचान कराना मेरा मकसद है। इसका उपयोग आप नेट से, गूगल से, या ग्रंथों में, या गुरुजनों से आप पूछ सकते हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं या जो संत महात्मा लोग हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।